वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका। आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट और अलग तरह के ढोकले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो सूजी और बेसन और दही मिलाकर बनती है बहुत ही कम सामान से। स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में एक कप सूजी लेंगे, स्टेनर रख करके हाफ कप बेसन को अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे एक कप छाछ। यदि आपके पास छाछ न हो तो 1/3 कप दही लीजिए, उसे मिक्सी में चलाइए और उसमें थोड़ी पानी डाल दीजिए, तो ये आपकी छाछ रेडी हो जाएगी। छाछ को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी, अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ध्यान रखें लम्स बिल्कुल भी ना आए। छाछ थोड़ी थोड़ी डाल करके ही ऐड करूंगी और बराबर स्टर करके मिक्स करूंगी। यहाँ पर मैं हाफ कप पानी ली हूँ। बैटर थोड़ी गाढ़ी है तो पानी डाल के इसे थोड़ा सा लिक्विड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मिलाएंगे और चेक करेंगे। ये हाफ कप पूरी पानी मैं डाल दूंगी और अच्छी तरह मिक्स करके ढक के रख दूंगी। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और स्वादानुसार नमक, और इसे ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि मैं इसमें सूजी डाली हूँ। सूजी जो है वो थोड़ी सी फूलेगी, तो आधे घंटे इसे रेस्ट देने की बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ ढोकले को स्टीम करने के लिए हम बर्तन देख लेते हैं। आप इस तरह के केक टिन, थाली या फिर आप इस तरह के केक टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस स्क्वायर केक टिन ढोकले को स्टीम करूंगी। इसके लिए ब्रश की हेल्प से ऑयल अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देंगे। यदि आपके पास ब्रश ना हो तो कॉटन या हाथ से भी आप लगा सकते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल को लगा देंगे। अब ये टिन रेडी है। यहाँ गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 3 ग्लास पानी डालेंगे बॉयल होने के लिए। इस कढ़ाई को मैं बार बार यूज़ करती हूँ बेकिंग के लिए या ढोकले बनाने के लिए। तली मोटी होनी चाहिए, आप इसकी जगह पे पतीला भी ले सकते हैं, और ढक के पानी में अच्छी तरह बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ आधे घंटे हो गए हैं। मैं इस घोल में हरी मिर्च डालूँगी। नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। मैं इसमें पानी डाल के हल्का सा इसे पतला कर लूँगी, क्योंकि सूजी फूलने से थोड़ी सी बैटर गाढ़ी हो जाती है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसी होनी चाहिए। इसमें मैं 1/4 सोडा लूंगी, जिसे गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ध्यान रखिए 1/4 स्पून ही सोडा होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और अब हमें लेट बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुरंत ही इस घोल को मैं जो टिन रेडी की थी उसमें पलट दूंगी। थोड़ी रेड चिल्ली से थोड़ी सी गार्निश कर देंगे ऊपर से। ये देखने में बड़ी ही टेम्पटिंग लगती है। यदि आपके पास कोरिएंडर है, धनिया की पत्ती, तो उसे भी काट के ऊपर से डाल सकते हैं। हमारे पास तो नहीं थी। थोड़ी सी टैप कर देंगे, और अब मैं कढ़ाई के पास ले चलती हूँ गैस में। देखिए पानी में अच्छी तरह बॉयल आ रही है। एक रिंग रखेंगे और रिंग के ऊपर हम बर्तन रखेंगे। ध्यान रखिए बर्तन को पानी बिल्कुल भी टच नहीं करनी चाहिए। आप देखे होंगे रिंग से थोड़ी सी नीचे ही पानी थी। ओके, अब इसे रख के ढक के मैं 25 से 30 मिनट तक इसे स्टीम होने दूंगी। यहाँ 25 से 30 मिनट हो गई है। अब मैं चेक करती हूँ नाइफ़ की हेल्प से। नाइफ मैं इंसर्ट करूँगी। देखिए नाइफ बिल्कुल ही क्लियर आई है। ये ढोकला हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और एक टॉवेल या किसी भी कपड़े से इसे ढक के रख दूंगी। ऐसे करने से स्टीम जो है वो अंदर ही रहती है और ढोकला हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का पैन में कोई भी ऑयल डालेंगे जो आप पसंद करते हो। उसमें राई, मिर्च और कड़ी पत्ता डाल करके अच्छी तरह क्रैकल होने देंगे और इसे ला के ढोकले के ऊपर डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह जब ठंड हो जाए, आप ध्यान रखिए कटिंग
ठंड होने के बाद ही करें, जब ढोकला और बर्तन पूरी तरह से ठंडी हो जाए, नहीं तो ढोकला हमारी निकल नहीं पाएगी। यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से ढोकला हमारी निकल गई है, देखिए कितनी अच्छी स्क्वायर शेप में कटिंग हुई है। एक प्रोसेस और बाकी है कि ढोकला तो हमारा ठंडा हो गया है, और यदि ये गर्म होगा तभी खाने में मजा आएगा। आप एक नॉन स्टिक पैन, जब भी खाना हो तब नॉन स्टिक पैन गर्म करें और ढोकले को इस तरह से उसमें रख करके एक सेक लगा दे, एक ब्राउन कलर का लेयर आने दे इसमें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये प्रोसेस आप जरूर करें, जब भी खाना हो आप सुबह बनाएं और यदि शाम को खाना हो तो इसे एक बार गर्म कर लें और एक कलर आने दें। इसे देखिए इस तरह के ब्राउन कलर आने दे तो ढोकला हमारा बहुत ही क्रिस्पी लगेगा और गर्म हो जाएगा तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस तरह से ढोकला बनाएं, खाएं और हमें ज़रूर बताएं ये कैसी लगती है। आप सफ़र में भी इस तरह ढोकला बना के आप तवे में इस तरह से सेक करके स्टोर करके ले जा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है और ब्रेकफास्ट के रूप में तो ये बहुत ही अच्छी है। बहुत ही कम तेल से बनी हुई ये ढोकला आपको कैसी लगी बताइएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है गाइस। आप एक बार बना के देखिए तो दोबारा बार बार बनाने का मन करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर कर दीजिएगा और यदि रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।